मेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक पे ऊपर मैं बात करूंगा वो है सोल्डरिंग आयरन, जिसको बंगाली में कहा जाता है ताताल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सोल्डरों का सोल्डरिंग आयरन है जिसको मैंने एक साल से यूज कर रहा हूँ। ये बहुत ही अच्छा खासा सोल्डरिंग आयरन है। इसका मॉडल नंबर SL25A। इसका डुप्लीकेट प्रोडक्ट भी मार्केट में अवेलेबल है, तो खरीदते टाइम ये ध्यान देना चाहिए ये सोल्डरिंग आयरन ओरिजिनल है और डुप्लीकेट। तो खरीदते टाइम ये देख लेना इसके जो वायर है, वायर के ऊपर इसके जो वेबसाइट है www.soldron.com ये लिखा है और नहीं। और एक चीज़ भी ध्यान देना चाहिए, इसको अर्थिंग जो कनेक्शन है वो सही है और कि नहीं है, कि टूटी हुई है अंदर से, तो ये देख लेना चाहिए। सोल्डरिंग आयरन मेटल के थ्रू बॉडी को कांटेक्ट में आ जाता है, तो ये ध्यान देना चाहिए उसका अर्थिंग है और नहीं है। तो जिस सोल्डरिंग आयरन का अर्थिंग कनेक्शन नहीं है वो लेना नहीं चाहिए। इसका जो हीटिंग एलिमेंट है और बीट है ये आसानी में मार्केट में मिल जाता है। ये हीटिंग एलिमेंट 100-150 रुपये के में आता है और इसको जो बीट है वो 50-60 रुपीज़ में मिल जाएगा। ये इस सोल्डरिंग आयरन का बीट है जिसको आप देख सकते हैं, इस पे ऊपर MRP 60 लिखा हुआ है। ये मार्केट में मुझे 50 रुपीज़ में मिल गया। ये मैंने अप्रैल 2019 में ख़रीदा था, जिसके बहुत दिन बाद ये मैंने यूज़ कर रहा हूँ, तो इस पे ऊपर कुछ स्क्रैचेस आ गया है। इसके ऊपर सोल्डरन का नाम और सिंबल दोनों होना चाहिए, तो ये ओरिजिनल है। इसकी जो हीटिंग टाइम है वो 1 मिनट 15 to 16 सेकेंड है। बट अभी मैंने ये नोटिस किया, जो मेरे सोल्डरिंग आयरन बहुत पुराना हो चुका है, तो इसके जो हीटिंग टाइम है वो 1 मिनट 30 to 40 सेकेंड ले रहा है, तो ये भी से काफ़ी सही है। मैं एक साल से इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके जो बीट है ओल्ड बीट वो ऑक्सीडेशन की वजह से ये छोटा हो गया। मैंने इसको एक साल से यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके जो बीट है आप लोग देख सकते हैं ये ख़राब हो चुका है, तो अब वक्त गया है इसको चेंज करने का। इसके ऊपर निकल कोटिंग है, तो ये कहा जाए जो हीट के वजह से इसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन का क्रिया आता है वो धीमी पड़ जाए। आयरन मार्केट में 250 से लेके 300 रुपीज़ में अंदर मिल जाएगा। आप लोग देख सकते हैं ये हेवी प्योर कॉपर से बना हुआ है, तो इसके ऊपर बताने का और कुछ भी नहीं है, तो इसके रखते हैं साइड में। और एक भी सोल्डरिंग आयरन है जो है चाइनीज़ ब्रांड, ये 70-80 रुपीज़, कभी कभी ये 60 रुपीज़ में आता है, इसको मत खरीदना। ये जो क्वालिटी है इसका बहुत ही घटिया क्वालिटी का होता है। इसका हीटिंग एलिमेंट मार्केट में अवेलेबल है, तो भी इसको मत खरीदना, बिकॉज इसको जो हीटिंग एलिमेंट है ये 2 से 3 मंथ के अंदर ख़राब हो जाता है। इसका बीट लगभग 25 रुपीज़ में आता है, तो इस प्राइस में ये काफ़ी सही नहीं है। इसके अच्छा ये सोल्डरन का सोल्डरिंग जो हीटिंग एलिमेंट और जो बीट आते हैं वो काफ़ी सही है। इसके अलावा गुट और हक्को का सोल्डरिंग आयरन आप लोग देख सकते हैं, वो प्राइस में महंगा होता है, मगर उसका जो क्वालिटी है इसके अच्छा है। आप लोग देख सकते हैं ये चाइनीज़ वाला सोल्डरिंग आयरन का जो बीट है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड और गुड क्वालिटी नहीं है, तो चलिए उसको बात छोड़ ही देते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर एंड करता हूँ इस वीडियो का, यही है आपके लिए। तो थैंक यू, गुड बाय, सी यू अगेन।